चलिए अब बात करेंगे उस पति की जिसकी पत्नी खो गई थी और अपनी पत्नी को पाकर पति खूब भावुक हुआ और आंखों से आंसू भी छलक आए। बता दें कि फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने करनाल से लापता मानसिक रूप से विचलित पत्नी को उसके पति से मिलवाकर न केवल पति पत्नी की खुशियां वापस लौटाने में अहम भूमिका निभाई बल्कि 8 महीने के बच्चे को माँ से बिछड़वन से बचा लिया। बता दें कि खोई पत्नी को देखते ही पति भावुक हो गया और अपने पति को अचानक सामने देखकर पत्नी की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक आए। फिलहाल खोई पत्नी को पाकर पति काफी खुश है और फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम का धन्यवाद भी कर रहा है। एक दूसरे को देखकर आंखों से छलकते ये आंसू खुशी के हैं जो अपने बिछड़ों को मिलने के बाद छलक आते हैं। बता दें कि 15 फरवरी को करनाल के रास्ता भटक कर एक महिला फरीदाबाद आ गई थी और सराय पुलिस को मिली थी, जिसके बाद सराय पुलिस ने उसे फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर में रखवा दिया था, जिसकी जानकारी स्टेट को दी गई थी। पेशाब करने के लिए तो मैंने आके देखा कि वहाँ पर नहीं मिली, मैंने पूरा ढूंढा इसको, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मैं वहाँ पास के घर गया, वहाँ मोटरसाइकिल उठाया, पूरा गाँव में ढूंढा, पानीपत में, असंध में, जींद में, कैथल में, हर जगह ढूंढा, ये नहीं मिली। अब आप सर, आपकी मेहरबानी है, आपने यहाँ ये फरीदाबाद स्टेट क्राइम और एसआई अमर सिंह हैं, उन्होंने आपकी पत्नी को मिलवाया है, कैसे संपर्क किया उन्होंने आपसे और कैसे आप यहाँ पहुँचे, किसने संपर्क किया था आपसे? वो जी उधर शेरवा से कॉल आया था जी थाने से, कि भाई ये नंबर है, इस नंबर पे बात कर लो। तो मैंने बात किया तो यहाँ सर से बात हुआ, तो उसने बताया कि ये फरियाद पुलिस को कल सराय ख्वाजा थाना पुलिस को कल मिली है, कल रात में, और उन्होंने वन स्टॉप सेंटर छोड़ा है। तो हमें तुरंत कल सुबह ही, आज सुबह ही सूचना मिली कि ये महिला इस तरह से वन स्टॉप सेंटर में रखवाई गई है। तो हम सुबह से इस महिला के, जो महिला थोड़ी सी 10-20% मंद बुद्धि है ना, तो सुबह से हम लगे हुए थे महिला की काउंसलिंग करने के लिए, भी कुछ निकल के आए, कुछ निकल के आए, तो महिला प्रॉपर एड्रेस अपना बता नहीं पा रही थी। इसे छोटा मोटा जो 2-4 किलो हमको बताए उस आधार